कैसे हो आप लोग। तो आज हो गया है चैलेंज का डे 3 क्योंकि आज हम करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। आपको नाम से लग रहा होगा कि बहुत ही सरल व्यायाम है। हाँ जी, सही पहचाना आपने, ये बहुत ही सरल होते हैं पर इनकी गुणवत्ता पे आप शक मत करिए। अगर आपको लेग में पेन है या नी में पेन है, इनफैक्ट अगर आपको अर्थराइटिस है, ये उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये आसनास आपको हेल्प करेंगे उन सब चीज़ों को रिलीज करने में। तो शुरू करें। आर यू रेडी? आई एम रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोज में आपको, इस आसन में आपको अपने एंकल को आगे और पीछे मूव करना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है, सिंपल आसन है, आप बैठकर भी ये आसन बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको अपनी एंकल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करनी है। और देखिए, मैं इसमें लॉन्ग ब्रीदिंग भी कर रही हूँ साथ में साथ, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। योग का सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आप देखिए, इसमें मैं अपनी नी को ऊपर नीचे कर रही हूँ। अगेन, ये आसन बहुत अच्छा होता है, आपके जो आपके घुटने होते हैं उनकी ऑयलिंग हो जाती है अंदर से। इस आसन में आपको अपने लेग को चेस्ट की तरफ लेके आना है और कोशिश करनी है कि आप अपने लेग को टच कर पाए ज़मीन से। देखिए, अब दूसरे पैर से भी आपको सेम आसना करना है। ये भी बहुत ही रिकमेंडेड आसन होता है अगर आपको कोई भी नी की दिक्कत हो। और ये देखिए, इसमें अपने आप को पैर को, जैसे आप बच्चे को झुलाते हैं ना, वैसे अपने आप को अपने पैर को झुलाना है। ये आसन आप 10-10 बार एक साइड से कर सकते हैं। काउंट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि हमने कर लिया है पर हम नहीं करते हैं। देखिए, अपने पैरों से टेंशन रिलीज करने के बाद आप ये चक्की आसना करिए। जैसे कि पहले ज़माने में चक्की चलाते थे, वैसे ही आपको ये आसन करना है। और कोशिश करनी है कि जितने पीछे आप अपनी कमर को बेंड कर सकें उतना करिए। इसमें भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, पैरों से टेंशन रिलीज करने के बाद ये बटरफ्लाई आसन करते हैं। आगे अपने आपको पैरों को बिल्कुल क्रॉस करके, अपने हाथों को क्रॉस करके अपने पैरों को पकड़ लीजिए और अपने दोनों पैरों को आप ऊपर नीचे घुमाइए जैसे तितली होती है। ये देखिए, जैसे कि आप नीचे बैठ के आटा उसन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आसन करना है। अपने दोनों पैरों को आप बड़ा कर लीजिए और बस अपने आप को जितना आप आगे बेंड कर सकते हैं करिए। ये आसन बहुत इफ़ेक्टिव है बेली फैट के लिए। देखिए, नेक्स्ट आसन में मैं अपने दोनों पैरों को टच कर रही हूँ क्रॉस, एंड अगेन ये आसन आपकी बेली के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ। चलिए, अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। ये आसन है, आपको अपने पैरों से शून्य बनाना है।
एक बार एक पैर से, दूसरी बार दूसरे पैर से। काउंट लेके करेंगे तो बहुत ये बेहतर रहेगा। 10 बार एक पैर से और 10 बार दूसरे पैर से। यह आसन आपके लेग्स में जो फैट है उसको बर्न करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपकी नी नहीं ख़राब होती। कहते हैं कि अगर आप रनिंग करते हैं तो उससे नी पर प्रभाव पड़ता है, पर इससे नी पे प्रभाव तो पड़ता है पर वो पॉजिटिव साइड पे होता है। देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अब दोनों पैरों को साथ में लेके आपको शून्य बनाना है। आप योगा के लिए 5 मिनट निकाल लीजिए सुबह, या 10 मिनट निकाल लीजिए, पर वक्त ज़रूर निकालिए अपने लिए। किसी दिन प्राणायाम कर लिया, किसी दिन सूक्ष्म क्रिया कर ली। और देखिए अगले आसन में मैं अपने पैरों से साइकिलिंग चला रही हूँ, साइकिलिंग कर रही हूँ। इसमें भी एक बार आगे की तरफ पैरों को ले जाते हुए, और अब जो मैं कर रही हूँ इसमें पैरों को उल्टी साइड लेके जा रही हूँ। इसमें अपने आप को, पैरों को अपने जितना क्लोज लेके आ सकते हैं चेस्ट के उतना लेके आइए और झूला झूलिए। तो अब कंप्लीट होता है हमारा सेट 1। मुझे लगा था सूक्ष्म व्यायाम है तो थोड़ा से हल्के होंगे, पर हल्के भी नहीं लेना आपको। और इन जो मैं आसन कर रही हूँ, जो व्यायाम कर रही हूँ, आपको इनके साथ ध्यान रखना है कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट भी करते रहना है, क्योंकि पूरा असर इनका तभी दिखेगा जब आप इसके साथ प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। सो आई हैव कैच्ड अप माई ब्रेथ। सेट तीसरे दिन भी मैंने पूरे कर लिए, पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इतना टायरिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस सेट में ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हुई है, और स्पेशली स्टमक की बहुत हुई है। एंड आई थिंक दैट स्टमक में थोड़ा फैट है विच नीड्स टू गेट रिड्यूस्ड। शायद इसीलिए जब भी मैं स्टमक की एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरे को बैंड बजी थी। फर्स्ट सेट वॉज ओके, सेकेंड सेट वॉज डिवास्टेटिंग, एंड थर्ड सेट वॉज लाइक उठा लो। बट यस, आई नो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर माई बॉडी, एंड या आई विश द सेम फॉर यू गाइस दैट आप भी मेरे साथ ये सारे आसन करिए। मैं आपको बताऊँगी ये सारी सारी कौन सी मैंने एक्सरसाइजेस करी हैं या आसनास करे हैं, and I hope you can also benefit from this. Or yes, I'm jeeping it. Oh yes, one bonus asana for you. If you like this video, please like, share and subscribe.